माइक का प्रॉब्लम था, ये देखो नया माइक खरीद कर वापस से वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ और फेस कैम वाला वीडियो ही आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ मैं। तो आज का ये वीडियो ना बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आईपीएल 2023 रिलेटेड वीडियो ना बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम लोग इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर से अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर दबाओ। आप सभी लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहो और बहुत ही अलग इनका वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक होने वाला है बेसिकली, इससे पहले वाला एक वीडियो मैं निकाल चुका था जहां पर मैं इंडियन खिलाड़ी के ऊपर बात किया था कि कौन कौन सा ऐसा इंडियन खिलाड़ी है जो कि ट्रेड किया जाएगा 2023 के आईपीएल में और किसी टीमों में, ठीक है। तो ट्रेड प्लेयर सबसे पहले हम किसको बताएंगे कि जो कि एक टीम से और एक टीम में जाएगा लेकिन ऑक्शन में नहीं आएगा, मतलब पर्सनली दो टीम आपस में कॉन्टैक्ट करेगा और इस खिलाड़ी को मतलब रकम देकर या फिर खिलाड़ी टू खिलाड़ी एक्सचेंज करके लिया जाएगा, ठीक है। तो और ट्रेड विंडो जब खुलता है तब ट्रेड किया जाता है। और वैसा ही ना आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले भी एक ट्रेड विंडो खुलेगा, अगर टीम चाहे तो खिलाड़ी को ऐसे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले होंगे ऐसा कौन कौन सा फॉरेन खिलाड़ी है जो कि ट्रेड किया जा सकता है। तो इससे पहले वाला वीडियो इंडियन खिलाड़ी के ऊपर है, वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखो ना तो आई बटन पे जाकर देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन वो वाला वीडियो भी हुआ है। वहां पर मैं इंडियन खिलाड़ी के ऊपर डिस्कशन किया था, अभी मैं बात करूंगा फॉरेन खिलाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो फॉरेन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है जिनको ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ना जिनको श्योर शॉट ट्रेड किया जा सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद बड़े नाम के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जिसका नाम लेना चाहूंगा वो है मुंबई इंडियंस का रैली मेडिथ। रैली मेडिथ एक नो डाउट बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, आप देख ही सकते हो। ये खिलाड़ी एक पेस बॉलर है, राइट हैंड पेस बॉलर है, जिनका आप स्टेटिस्टिक भी देख सकते हो 2022 के आईपीएल का, मतलब 2022 में मुंबई के ओर से खेल रहा था। 8 मैचेस में टोटल इनिंग्स मिला था खेलने को 8, और उनमें से विकेट चटका लिया था 8 विकेट ही, मतलब हर मैच में एक विकेट करके चटका रहा था एवरेज में। उसके साथ इकोनॉमी भी देख सकते हो 8.43 का है इकोनॉमी, जो कि बहुत ही मतलब ठीक ठाक है एज ए T20 बॉलर की तहत, मतलब बहुत बेहतरीन नहीं, अगर बेहतरीन बताया जाता तो 7 से नीचे रहता या फिर 7 साइन काइंड ऑफ रहता अगर आप लोग बेहतर इकोनॉमी बताते, ठीक है। तो उस जगह पर मुझे लगता है कि रैली मेडिथ एक ठीक ठाक गेंदबाज है जिनको कोई भी टीम ना कम रेट में अपने टीम में शामिल कर सकता है। तो कौन कौन सा टीम इनके ऊपर जा सकता है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो रैली मेडिथ एक पेस बॉलर है, तो इसी की वजह से मैं बताऊंगा कि रैली मेडिथ को ना अगर पंजाब किंग्स टारगेट करे एज ए बैकअप खिलाड़ी के तहत, और उसके साथ अगर राजस्थान रॉयल्स भी एज ए बैकअप खिलाड़ी के तहत टारगेट करे ना, तो इनको ले सकता है। देखो बैकअप खिलाड़ी के तहत ही रैली मेडिथ को लिया जा सकता है, क्योंकि इनके पास मतलब ये दो टीमों के पास बेसिकली पंजाब किंग्स उसके साथ राजस्थान रॉयल्स, इनको इन लोगों के पास फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज है। तो इसकी वजह से मैं चाहूंगा कि अगर आप इनको बैकअप तरीके से लेते हो तो बेहतर रहेगा, इनके पास क्वालिटी है। और मुंबई भी आई थिंक जॉफ्रे आर्चर आने वाला है, तो इसकी वजह से वो चाहेगा कि और भी पैसा इकट्ठे करे, तो उस जगह पर रैली मेडिथ को छोड़ भी सकता है, ट्रेड भी कर सकता है। तो ये था मेरे ट्रेड लिस्ट में पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा वो खिलाड़ी एक मतलब राजस्थान रॉयल्स का रिसेंट टाइम में खेला हुआ खिलाड़ी है, जो कि रोसी वेंडर डुसन। तो रोसी वेंडर डुसन को भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी को ना चांस नहीं मिलता है फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में, हालांकि इनके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है जो कि हमें देखने को मिल रहा था साउथ अफ्रीका के ओर से जब ये खिलाड़ी खेलता था। तो उस जगह पर मैं बताऊं कि अगर इनको लिया जाता है ना तो बेहतर रहेगा। आप इनका स्टैट्स देख लो, सबसे पहले ये खिलाड़ी एक राइट हैंड बैटर है और लेग स्पिन भी कर सकता है, ठीक है। और उसके साथ आप इनका स्टैट्स देख लो, टोटल मैच खेला है। मैं इनका ना 2021 का T20 आइस का स्टैट हुआ है, क्योंकि देखो 2022 में इनका फर्स्ट टाइम इंक्लूडेशन हुआ है आईपीएल में, और 2022 में ना T20 आइस में ना सैंपल साइज बहुत ही छोटा है, तो इसकी वजह से मैं 2021 का सैंपल साइज उठाया हूँ जो कि बहुत ही बड़ा है। टोटल 16 मैच खेला था, इनिंग्स मिला था, मतलब बल्लेबाजी करने को इनिंग्स मिला था, 14 रन किया था, 391 एवरेज था, 39.10 का जो कि 40 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी 123 का है जो कि ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है, मतलब बहुत ही बेहतर स्ट्राइक रेट तो नहीं है लेकिन एवरेज आपको देगा, मतलब अगर इस एवरेज से खेलता है ना खिलाड़ी तो मतलब बहुत टीमों के लिए एक बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी होगा मिडिल ओवर्स में। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि ये खिलाड़ी एक बेहतर चॉइस बन सकता है किसी भी टीम के लिए जो कि ट्रेड किया जा सकता है, और कम रेट में ना ट्रेड किया जा सकता है इस खिलाड़ी को। तो इसकी वजह से मैं चाहूंगा कि अगर
ट्रेड विंडो के तहत कोई भी टीम इनके ऊपर जाए तो कौन कौन सा टीम जा सकता है इनके ऊपर, तो मैं बताऊंगा कि दिल्ली को ना मिचेल मार्श का एक बैकअप प्लेयर चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सके, तो उस जगह पर मैं इनको रखना चाहूंगा बैकअप खिलाड़ी के तहत। और वैसा ही मुंबई इंडियंस को भी एक बैकअप खिलाड़ी चाहिएगा जो कि मतलब मिडिल ऑर्डर में खेल सके एज ए पारी को संभालने की तहत, तो उस जगह पर भी मैं रसिक बनर्जी को देखने जाऊंगा। तो मेरे मुताबिक दिल्ली और मुंबई अगर इनको ट्रेड करे तो बेहतर रहेगा, और आप सभी लोगों इसके ऊपर क्या राय देना है वो जरूर से कमेंट पर बताओ, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड नंबर पे ट्रेड किया जाना खिलाड़ी। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी का नाम लेने जाऊंगा वो खिलाड़ी ना एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है जो कि है एविन लुइस। तो एविन लुइस एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो कि भाई आपके लिए ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, क्योंकि एलएसजी के लिए लास्ट ईयर में कुछ मैचेस वो मिडिल ऑर्डर में भी खेला है। लेकिन देखो अगर क्वालिटी इनसे मिलना हो ना तो आप इनसे क्वालिटी मिलवा सकते हो ओपनिंग में, ठीक है। तो ये खिलाड़ी एक बेसिकली बैटर है और लेफ्ट हैंडेड बैटर है, और उसके साथ अगर हम बात करें ना आप 2021 और 2022 का आईपीएल का स्टैट्स देखो ये खिलाड़ी के, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्टैट्स है, लेकिन ज्यादातर चांस नहीं दिया गया है। अगर चांस मिले तो बहुत कुछ कर सकता है, तो उसके बारे में बाद में आता है। तो आप स्टैट्स देखो 2022 का स्टैट्स ये है कि 6 मैच खेला है, रन क्या है 73, एवरेज है 24.33 का, और स्ट्राइक रेट है 130 का। और वहीं पर आप 2021 का भी स्टैट्स देख सकते हो जो कि 5 मैच मिलाया था उनको 151 रन किया था, 30 का एवरेज और 162 का स्ट्राइक रेट। तो इस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है, एलएसजी इनको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास पहले से बहुत ऑप्शन है। तो उस जगह पर मैं चाहूँगा कि अगर ये खिलाड़ी चाहे कि ये ट्रेड होकर और किसी टीम में जाएगा तो ये खिलाड़ी जा सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है, ठीक है। अगर देखो लिटरली मैं बताऊँ ना तो ऐसा खिलाड़ी का ज़रूरत बहुत टीम को है, जैसा कि मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा टीम को है जो कि ट्रेड कर सकता है एविन लुइस को। सबसे पहले मैं जिसका नाम ले जाऊँगा वो है CSK एक लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी को चाहेगा जिनके पास ऐसा हिटिंग एबिलिटी है, जो कि डेवॉन कॉनवे का बैकअप हिसाब में रह सकता है या फिर डेवॉन कॉनवे की जगह पर भी वो खेल सकता है। वैसा क्वालिटी है इनके पास कि वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जगह बनाए, तो CSK इनको टारगेट कर सकता है। उसके साथ मैं बताऊंगा कि GT यानी गुजरात टाइटन्स भी इनको टारगेट कर सकता है, क्योंकि देखो तीसरे नंबर के पोजिशन पर ना गुजरात टाइटन्स बेसिकली खिलाता है, मतलब खिला रहा था जो कि हमको देखने को मिला था कौन को, मैथ्यू वेट को। तो मैथ्यू वेट को अगर वो बिठा देता है तो उस जगह पर अगर तीसरे नंबर के पायदान पर एविन लुइस को खिलाते ना तो भी बहुत ही बेहतर होगा। तो उस जगह में ये दो टीम को देखना चाहूंगा कि ये दो टीम ट्रेड विंडो पर इस खिलाड़ी के ऊपर जाए जो कि बेहतर रहेगा दोनों टीमों के लिए, जिनको मिले वही फायदा लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं जिस खिलाड़ी के ऊपर बात करूंगा वो खिलाड़ी है सनराइजर हैदराबाद का ग्लेन फिलिप्स। तो ग्लेन फिलिप्स एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना क्वालिटी तो भाई दिखा सकता है, लेकिन सनराइजर हैदराबाद की ओर से ना इनको एक मैच में भी चांस नहीं मिला था। तो ये देखो भाई मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी अगर बैठा हुआ रहता है जिनको चांस नहीं मिलता है तो आपको मतलब फर्क पड़ेगा कि आईपीएल जैसा खेल में ये खिलाड़ी नहीं खेल पा रहा है। तो आप इनका स्टैट्स देख लो सबसे पहले, मैं उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि इनका जो एबिलिटी है बहुत है, मतलब ये खिलाड़ी विकेट कीपिंग भी कर सकता है, उसके साथ बैटर है राइट हैंडेड बैटर है जो कि ओपनिंग में भी खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, लोअर ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो ऐसा खिलाड़ी भाई भर्तीडाल खिलाड़ी को ना मुझे ऐसा लगता है कि टीम मिलना चाहिए जो कि इनको फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खिलाएगा। तो इनका स्टैट्स देखो 2022 का T20 का ही स्टैट्स देख लो, 7 मैच खेला है, इनिंग्स मिला है उनका 6 इनिंग्स, ठीक है, ये न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हुए इनका परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप 7 मैच में देख सकते हो कि रन किया है 202, एवरेज है 50.50 का एवरेज, आप क्या ही बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, और स्ट्राइक रेट है 132 जो कि बहुत ही है एज ए T20 बैटर के लिए, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को क्या कोई भी टीम मिलना चाहिए जो कि इनको फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खिलाएगा? तो मैं तो भाई चाहूंगा कि हाँ भाई इनको ट्रेड किया जाए। तो इनको अगर ट्रेड किया जाता है तो कौन से टीम के द्वारा इस खिलाड़ी को ट्रेड किया जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है देखो विकेट कीपिंग बैटर चाहिए KKR को, तो KKR ट्रेड कर सकता है आपका ग्लेन फिलिप्स को जो कि KKR का नीड है। और उसके साथ मैं बताऊंगा कि RCB भी ना ट्रेड कर सकता है, क्योंकि देखो फैब डुप्लेस तो भाई ओपन करेगा, लेकिन बैकअप खिलाड़ी के तहत ना आप रख सकते हो ग्लेन फिलिप्स को। अगर मैक्सवेल का भी बैकअप आप चाहो कि मैक्सवेल का बैकअप चाहिए तो उनको भी खिला सकते हो, मतलब ग्लेन फिलिप्स को भी खिला सकते हो। तो ग्लेन फिलिप्स ना एक वर्सेटाइल खिलाड़ी है, तो इनको आप रख सकते हो। तो RCB और KKR को मैं देख रहा हूँ कि टारगेट करते हुए ट्रेड विंडो पर ग्लेन फिलिप्स के ऊपर, ठीक है। तो आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना है कि ग्लेन फिलिप्स को कौन सी टीम में जाना चाहिए वो जरूर से कमेंट कर बताओ, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी भाई मतलब फॉर्म में है, और फॉर्म में रहा हुआ खिलाड़ी ना देखो KKR को भी चाहिए और RCB को भी चाहिए। तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि अगर KKR के तरफ से ज्यादा मतलब
इंटरेस्ट दिखाए ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कम रेट में अगर ऐसा खिलाड़ी मिल जाए तो भाई क्वालिटी है। उसके बाद मैं बताऊंगा लास्टली जो खिलाड़ी है ना वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी का ट्रेड होगा या फिर नहीं होगा वो तो भाई पता नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड विंडो खुलता है, अगर इस खिलाड़ी के ऊपर दाव खेला जाता है तो बहुत सारा टीम जाने वाला है। तो आप सबसे पहले सुन लो कि कौन सा खिलाड़ी है, तो वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो कि नो डाउट बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उनका रकम के वाइज अगर देखा जाए तो केकेआर के ओर से खेलते हुए वो उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, जो कि आपके स्क्रीन को आ रहा है सीधे तौर पर आप देख सकते हो। ये खिलाड़ी टोटल मैच खेला है, मैं 2022 का भी शो करूंगा, 2021 का भी शो करूंगा, आप सबसे पहले 2021 का देखो, 7 मैच खेला था 2021 में। और एक बात, आपने इनको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तहत ही खिला सकते हो, मतलब ऑलराउंड ऑप्शन भी इनके पास है। तो ये बल्लेबाजी करते हुए 2021 में रन किया था 93, एवरेज था 31 का, स्ट्राइक रेट था 166 का, विकेट भी चटकाया था 9 विकेट, और गेंदबाजी करते हुए इकोनॉमी था 8.83, ठीक है। और वही बार अगर आप 2022 का देखो ना तो 5 इनिंग्स उनको मिला था खेलने को, उनमें से रन किया था 63, एवरेज था 15.75 का बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइक रेट देखो 162 का स्ट्राइक रेट है, जो कि एक मैच ना अकेले के बलबूते पर जिताया था मुंबई के अगेंस्ट, आप सभी लोगों का आई थिंक पता होगा वो वाला रूप पैट कमिंस का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि विकेट चटका है 7 विकेट, इकोनॉमी है 10.69 का, मतलब गेंदबाजी करते हुए बहुत ही ज़्यादा पिटाई खाता था ये खिलाड़ी 2022 के आईपीएल में। तो आई थिंक पैट कमिंस को अगर छोड़ा जाता है या फिर ट्रेड किया जाता है ना तो केकेआर ट्रेड करने को राजी हो सकता है अगर कोई भी टीम आए, तो पैट कमिंस के ऊपर कौन कौन सा टीम जा सकता है। तो जेन्युइनली मैं अगर बताऊं ना तो एसआरएच ना सबसे बड़ा दावेदारी पेश करेगा पैट कमिंस के ऊपर, वो लोग नीड रखेगा कि भाई मुझे पैट कमिंस चाहिए, तो पैट कमिंस के ऊपर जा सकता है एसआरएच, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं। उसके साथ ना एलएसजेएन लखनऊ सुपर जायंट्स भी जा सकता है, क्योंकि लखनऊ को भी ना एक फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज चाहिए, जैसा कि दुश्मन तो छमीरा गेंदबाजी कर रहा था ना उनके जगह पर वो पैट कमिंस को खिला सकता है, और वैसा ही एसआरएच भी मार्को यानसन की जगह पर पैट कमिंस को खिला सकता है। तो ये सब ऑप्शन ना बहुत ही बेहतर होगा अगर पैट कमिंस के ऊपर जाए एसआरएच या फिर एलएसजेएन लखनऊ सुपर जायंट्स। आप कौन से टीम को बताओगे कि भाई पैट कमिंस के ऊपर जाए, वो जरूर से कमेंट करो बताओ। तो ये था टोटल ट्रेडेड खिलाड़ी का नाम, और एक खिलाड़ी को भी ट्रेड किया जा सकता है जिनका मैं नाम लेना तो चाहूंगा भाई, वो है कैरन पोलार्ड, लेकिन मुंबई उनको छोड़ भी सकता है या फिर नहीं भी छोड़ सकता है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली अगर बताया जाए तो मुंबई का कॉल होगा, लेकिन आई थिंक नहीं छोड़ेगा, तो इसी की वजह से बात करने की भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसी की वजह से मैं बताऊंगा कि ये टोटल 5 खिलाड़ी का नाम आप सभी लोगों को कैसा लगा वो जरूर से कमेंट कर बताओ। आप सभी लोगों के मुताबिक कौन सा खिलाड़ी को कौन से टीम में जाना चाहिए ट्रेड विंडो के तहत वो भी जरूर से कमेंट कर बताओ, और ये टोटल वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा वो भी जरूर से कमेंट कर बताओ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।